हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो फाइनली गाइस, ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का होने वाला है एपिसोड नंबर 124। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेरीज वगैरह फॉर्म कर रहा था। वो क्यों कर रहा था वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे अपने बगल में एक 90 लेवल का ब्रोंडोसोरस था, बट गलती से मेरे ब्रोंडोसोरस ने जो है ना उसके ऊपर हिट करा एंड वो जो है अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रो हो चुका है। तो मैंने भी डिसाइड करा यार काफ़ी अच्छा मौका है अगर हम लोग ब्रोंडोसोरस की फाइट ब्रोंडोसोरस से कराएंगे, देखते हैं यार कौन सा ब्रोंडोसोरस जीतता है, मेरा पेट या फिर वाइल्ड वाला। लगभग लेवल जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, 90 लेवल का है एंड मेरा वाला अराउंड 130 लेवल का। फिर भी गाइज लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतता है। वैसे अभी मैं मैनुअली फाइट कर रहा हूँ एंड बाद में जो है ना मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार अभी दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्रो हैं तो डेफिनेटली ये आपस में खुद ही फाइट करने लगेंगे। एंड देखो गाइज यहाँ पे आपस में खुद ही फाइट करने लगेंगे एंड यहाँ पे फाइट काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाली है। मैंने कहा अभी मैं उतरता हूँ, मैं आपको दूर से दिखाऊंगा। तो भाई मैं यहाँ पे कूद चुका हूँ। अभी ये मेरे में इतने दूर तक अटैक कैसे कर रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अभी भी गाइस अटैक तो हो रहा है बट मेरे में लिटरली डैमेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एंड देखो भाई दोनों के दोनों एक दूसरे को पूछ से मारे, काफ़ी ज़्यादा गजब है। बट मेरे वाले का हेल्थ जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा है एंड दूसरे वाले का हेल्थ लगभग 5000 बचा हुआ है। लगता है गाइस वाइल्ड वाला ब्रोंडोसोरस लगभग जाने वाला है। ओके, अभी ये तो भागने लगा एंड मेरे ब्रोंडोसोरस इसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं, ये गलत सीन है। दिस इज चीटिंग ब्रो। मतलब मेरा ब्रोंडोसोरस यार उसको ईजिली मार सकता था, मेरा ब्रोंडोसोरस उसके पीछे नहीं भाग रहा है। फिर मैंने डिसाइड करा भाई अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा, मैं जो है ना गाइस अपना ब्रोंडोसोरस लेके भागा उसके पीछे। बट वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका था एंड मैं जो है ना गाइस अभी बेरीज फार्म कर रहा हूँ। वो क्यों, तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता होगा हम लोग डंजन करने के लिए अभी रिसोर्सेस वगैरह फार्म कर रहे हैं। हमारे पास आर्मर है, गन है, बो है, एरोज हैं, बट मेरे पास यार अभी मेडिकल ब्रू एंड एनर्जी ब्रू नहीं है। जिससे क्या है मेडिकल ब्रू क्या है गाइज, अगर आप लोग किसी डाइनो से फाइट कर रहे हो एंड आपका हेल्थ लगभग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है एंड आप लोग मरने वाले हो तो आप लोग क्या करोगे गाइज, फटाफट से मेडिकल ब्रू पियोगे। वो एक प्रकार का बैंडेज है एंड उसे पीने से आपका हेल्थ इंक्रीज होगा। एंड वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा अगर फाइट करते करते आपका स्टेमिना कम हो गया। एंड स्टेमिना को रिकवर कर कैसे करना है उसके लिए हम लोग बनाने वाले एनर्जी ब्रू। तो आपको गाइस पता नहीं होगा सो मैंने डिसाइड करा क्यों ना हम लोग आज वो बनाते। उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। तो फाइनली यार हमें जो है ना मेडिकल ब्रू बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नार्कोटिक्स चाहिए होंगे काफ़ी ज़्यादा, फिर टिंटो बेरीज एंड उसे जो है ना हमें कुकिंग पॉट में डालना है विद वाटर स्किन। तो बनाते हैं फटाफट से, लगभग मेरे पास जितनी भी वाटर स्किन है मैं उसे फुल करता हूँ एंड जल्दी से जल्दी जो है ना गाइस हम लोग सारे की सारी जितने भी अपने पास सामान है ना वो डालेंगे कुकिंग पॉट में। एंड लगभग 20 टिंटो बेरीज से और 2 नार्कोटिक से एक मेडिकल ब्रू बनता है विद 1 वाटर स्किन्स, ठीक है। तो एक कुकिंग पॉट में हम लोग 100 का स्टैक में नार्कोटिक्स डालते हैं एंड 500 का स्टैक का बेरीज का हम लोग टिंटो बेरीज का इसमें डालते हैं एंड बाकी सारा का सारा जो है ना अपना वाटर स्किन, एक से लगभग 9 बन जाएगा आई थिंक। हाँ एक बार ही डालेंगे तो लगभग इसमें जो है ना 9 बन जाएगा। वैसे हमारे पास कुकिंग पॉट भी है बट यार मेरे पास अभी इतना रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुकिंग पॉट बनाऊँ, बट डेफिनेटली गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुकिंग पॉट बना लेंगे एंड उसमें जो है ना मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी जल्दी बनेगा। तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लगभग आधा घंटा वेस्ट किया एंड बार बार मैं जो है ना ये वाटर स्किन चेंज कर रहा था एंड लगभग मेरे पास अभी 100 से ज़्यादा जो है ना मेडिकल ब्रू हो चुके हैं एंड ये तो इतना काफ़ी है। एंड अभी मेरे को एनर्जी ब्रू भी बनाना है, वो भी हम लोग बनाएंगे। तो जब तक गाइस मैं यहाँ पे इसको उठा रहा हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फाइनली यार यहाँ पे मैंने मेडिकल ब्रू तो उठा लिया है और अभी मुझे बनाना है एनर्जी ब्रू। वो किस तरीके से बनाएंगे एंड वो भी बताता हूँ। बट यार इसको जो है ना आप लोग ओनली ओपन में नहीं रख सकते, आपको जो है ना इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखेंगे तो इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जाती है। मतलब एक प्रकार की दवाई है, अगर आप लोग इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखोगे तो ये प्रिजर्व होगा, अगर बाहर रखोगे तो ये जल्दी जो है ना डिकम्पोज हो जाएगा, आई मीन स्पॉइल हो जाएगा, जो भी आप लोग बोलो तो वो हो जाएगा। एंड अभी तो अपने पास लगभग यार काफ़ी ज़्यादा
250 के करीब में मेडिकल ब्रू हो चुकी है और अभी इसमें से हम लोग 2-3 डंजन तो इजीली निकाल देंगे। और मुझे जो है ना गाइस अभी एनर्जी ब्रू बनानी है, क्योंकि डंजन में आपको पता है फाइट होता है, सो वहाँ पे काफ़ी बार तो अपना स्टैमिना कम हो जाता है, तो वो भी चाहिए। तो एनर्जी ब्रू के लिए गाइस हमें याला बेरीज चाहिए, कौन सा अब्जू बेरीज जो भी होगा गाइस, बट याला बेरीज चाहिए। एंड मैंने 4 स्टैक्स उठा लिए क्योंकि हम लोग 4 फर्नेस में कुकिंग पॉट में बनाने वाले हैं, और इसको हम लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 100 बन जाएगा गाइस, अपना काम बन जाएगा लगभग। अपने को क्या चाहिए, स्टिमुलेंट बेरीज, स्टिमुलेंट, तो लगभग हम लोग 200 स्टिमुलेंट का काम करने वाले, क्योंकि स्टिमुलेंट गाइस अपने को चाहिए डंजन में, क्योंकि जब हम लोगों का टॉर्पर लेवल इंक्रीज होगा सो वहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टॉर्पर्स कम करने के लिए स्टिमुलेंट। तो ठीक है, 200 स्टिमुलेंट मैंने यहाँ पे उठा लिया। एंड अभी जो है ना गाइस हम लोग चलते हैं फटाक से बन जाएंगे अपना एनर्जी ब्रू। तो चलिए लेट्स गो, यहाँ पे मैं जितनी भी अपने पास वाटर स्किन्स है उन्हें फुल करता हूँ। भाई काफ़ी ज़्यादा वाटर स्किन मैं जो है ना अपने साथ लेके चल रहा हूँ, तो सबको सब फुल करता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे सारी की सारी वाटर स्किन्स फुल हो चुकी है, तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना अपने के लिए एनर्जी ब्रू बनाते हैं। एनर्जी ब्रू के लिए गाइज मैं यहाँ पे 50 लगभग स्टिमुलेंट डाल दूंगा। तो ऐसी गाइज हम लोग लगभग चारों के चारों कुकिंग पार्ट में 50-50 जो है ना स्टिमुलेंट डालेंगे, 500 का स्टैक हम लोग बेरीज का डालेंगे। एंड फटाफट से गाइज हमारे जो है ना एनर्जी ब्रू बन के रेडी हो जाएंगे। ओके चलो यहाँ पे भी डालता हूँ मैं, तो ये लास्ट वाला स्टैक है और उसके बाद हमें वेट करना है इसके पूरे होने का। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देर तक वेट किया एंड फाइनली गाइज अभी जो है ना सारा का सारा हमारा एनर्जी ब्रू बन चुका है। एक कुकिंग पोर्ट से लगभग मेरे को 24 मिले, अराउंड 24 के करीब लगभग 100 एनर्जी ब्रू है, सो इसमें गाइज अपना 2-3 डंजन तो ईजिली निकल जाएगा। तो चलो यार अभी अपने पास आर्मर्स हो चुके हैं, अपना गन आर्मर सारा का सारा रेडी है, बस मुझे शॉर्ट गन की एमो बनानी है, वो हम लोग डेफिनेटली गाइज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और मैं जो है ना लगभग डंजन के लिए रेडी हूँ एंड 1-2 एपिसोड के बाद जो है ना हम लोग डंजन करने के लिए निकलेंगे। बट मेरा डिसाइड है आज जो है ना हम लोग एक ऐसा डाइनो टेम करने वाले हैं जो कि अभी तक लिटरली गाइज अभी तक मैंने जितने भी टाइम पे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व खेला है वो मैंने अभी तक टेम किया ही नहीं, एंड उसका मेरे को एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं पता, वो क्या फार्म करता है, क्या यूज़ होता है। सो गाइज बहुत ज़्यादा रेयर डाइनो है, रेयर तो नहीं है, इजीली मिल जाता है, ब्रोंडोसॉरस की तरह दिखता है, बट आज मेरा प्लान था मैं उसको टेम करके ही रहूँगा। तो वैसे यार मैंने इसको ट्राई तो किया था, मैं ट्रैंकुलाइजर एरो से मैंने उनको अनकॉन्शियस कर दिया एंड बाद में पता चला भाई ये तो इस तरीके से टेम होता ही नहीं है, इसको टेम करने का तो अलग ही तरीका है, ये पैसिव टेम है। एंड पैसिव टेम भी करने गया ना गाइस, जैसे ही मैं उसको खाना खिलाता भैया सूंड से मेरे को दूर फेंक देता। मैंने कहा भाई इसको तो थोड़ा सा सोच समझ के टेम करना पड़ेगा, बट मेरे पास जो है ना स्मूथिंग बैम था तो इतना कोई टेंशन हुआ नहीं एंड हम लोगों ने जो है ना उसको ईजिली टेम कर दिया। अभी उसको ढूंढते गाइस मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे तो डेफिनेटली अपने को वो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ब्रोंडोसॉरस काफ़ी रहता है। ओके ये रहा देखो, यहाँ पे लगभग 3 ब्रोंडोसॉरस थे। ओके गाइज ये रहा डिप्लो, इसकी सैडल मेरे पास ऑलरेडी, यार एक बारी मैंने एक पता नहीं कौन सा डाइनो लेके आया था, नाम सेम था बट उसका कोई सैडल वगैरह था नहीं, तो मैंने इसका सैडल बना दिया था गलती से। भाई इसको एक बैरिस तो खिलाया एंड ये जो है ना भैया ये देखो निकल बेटे बाहर यहाँ पे से, बल मेरे को टेम करेगा तू, इतनी हिम्मत है भाई? ये कहाँ से, ये रैप्टर देखो पीछे से मारेगा, नॉनसेंस। ओके ये देखो किधर भाग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जब दारू पी का रखो, का पौवा चढ़ा लिया लौंडे ने, रैप्टर ने। तो ठीक है गाइस अभी जो है ना हम लोग इसको आराम से खिला ही देंगे। अरे अरे ये कहाँ है मेरा पैटर्नोडॉन, ये रहा, आ जा भैया नीचा। ठीक है लेट्स गो हम चलते हैं। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे से निकल ही रहा था तो मैंने देखा भाई रैप्टर जो है ना अपने इसको मार रहा था, भैया इसको मेरे को पकड़ना है, रुक जा तेरी तो ऐसी की तैसी, किधर खा फटका गया। तो फाइनली यार इसको तो हम लोगों ने मार दिया, बट यहाँ पे जो है ना इसका टॉर्पो लेवल खत्म हो चुका है, टेमिंग इफेक्ट। अभी इसको दोबारा से मेरे को खिलाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ये भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब करेगा, रुक जा तेरी तो ऐसी की तैसी। ठीक है ये भी गया। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे सेफली इसको टेम करने का ट्राई करेंगे। वैसे इस बार जो है ना मेरा प्लान है मैं इसको स्मूथिंग बैम दे दूंगा, अराउंड एक ही बेरीज में 40% टेम हो जाएगा। चलो इसको दो, बट यार इसको मैंने गलती से बेरीज खिला दिया पहले।
तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक इसको भूख लगेगा। तो चलो यार मैं यहाँ पे से निकलता हूँ, वैसे ये मेरे को मार मार के भगा रहा है, बट निकल जा बेटे यहाँ से, मेरे को पकड़ना भी मत, और रुक जा भैया बैठने दे मेरे को, इसमें जा रहा हूँ मैं, रुक जा। अबे मार ना यार, तू कतई खतरनाक हो रखा गुस्से वाला सा। चलो ठीक है भाई, कतई गुस्सा आ रहा है इसको, भाई तेरे को तो मार मार के भगाऊंगा, रुक जा। चलो मैं ऐसे करता हूँ ना, इसके ऊपर बैठता हूँ यहाँ पे, एंड आ रहा है देखो, ले निकल मेरे सामने से, मुंह से मारूंगा मैं तेरे को, ले देखो मारा भयंकर की, इसकी तो ऐसी की तैसी, रुक जा अभी तेरे को, रुक रुक अभी तू रुक, मैं सही जगह में जाऊँ। अरे या तो अभी भी पीछे पड़ा हुआ, तो यार इसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हुआ काफ़ी देर, 5-10 मिनट बैठने के बाद फाइनली यार इसको भूख लगा, एंड एक बेरीज देते ही 40% टेम, भाई अपना खुशी का ठिकाना नहीं, लगभग 2 बेरीज में ये इजिली टेम हो जाएगा। तो फिर क्या था गाइस, हम लोग इसको बेरी खिलाते रहे, वेट करते रहे, बेरी खिलाते रहे, वेट करते रहे, कुछ इसी प्रोसेस से हम लोगों ने जो है ना इसको यहाँ पे इजीली पकड़ भी दिया। अभी 88% के करीब हो चुका है, बट अभी अपने को थोड़ा सा वेट और करना है, बस 84% भाई हो गया। चलो गाइस इसको फटाफट से देता हूँ और उसके बाद निकलूंगा मैं अपने बेस में, इसको सैडल वगैरह पहनाएंगे एंड देखेंगे यार इसका क्या यूज़ है। एंड मैंने गाइस यूज़ देखा ना, एक नंबर का वायाद बे यूज डाइनो है, इसका यूज़ तो कुछ पता ही नहीं मेरे को, ना ये किसी को डैमेज देता, बस बोलता भैया मेरे पास मत आ, मेरे से दूर निकल, गेट आउट फ्रॉम माय एरिया, मतलब सूंड से मार मार के भगाता रहेगा, पास नहीं आना मेरा, दूर निकल जा। और अगर कोई वैसे डाइनो आ गया ना तो समझ लो इसकी तो भागेगा ही है, भागेगा, भैया छोड़ दो, माफ़ी कर दो मेरे को, मैं मेरे को पंगा नहीं लेना, ये सीन है गाइस इसका, मतलब आई डोंट थिंक सो यार ये कोई डाइनो है यहाँ पे, मतलब होगा गाइस हमें क्या पता, बट ठीक है जैसा भी है। और इसका मेरे को सैडल बनाना है, एंड मे बी मेरे पास सैडल होगा इसका, मैं जाता हूँ फटाफट से बेस में एंड सैडल ढूंढता हूँ। चल मेरे पेट्रा अंदर चल के लेके आऊँगा इसका सैडल, भाई ये टोटली वाया डाइनो है अपने पास। ओके इसका सैडल अनलॉक है ना, हाँ अनलॉक है, तो डेफिनेटली यार बना के रखा होगा मैंने, मुझे याद है एक बार ही बनाया था मैंने, बट थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गया था, वो कोई दूसरा डाइनो था। ओके अब कल गाइस जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके लिए पीवीपी एरिया बनाने वाला हूँ, सो वहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ा एरिया बनाएंगे, वहाँ पे लगभग 3-4 स्पाइनो लेके आऊँगा मैं ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग फाइट कराएंगे लगभग 3 या 4 स्पाइनो से एक रैक्स का, मज़ा आएगा गाइस, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना हम लोग वीडियोज़ में ही बनाएं, रिसोर्सेज वगैरह मैं फार्म करके रखूँगा एंड बनाना जो है ना हमें वीडियो में ही उसे, तो चलो यार बनाएंगे एंड उस दिन हम लोग स्पाइनो वगैरह लाएंगे एंड नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग उसका फाइट कराएंगे, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो चलो यार अभी अपने पास सैडल वगैरह है, फटाफट से इक्विप कराते हैं एंड राइड करके देखेंगे, मज़ा आता है या नहीं आता उस डाइनो को राइड करने में, डेफिनेटली मज़ा तो आएगा चलो, बट मुझे देखना है एटलीस्ट ये डैमेज देता है या नहीं देता, बट यार बाद में पता चला ये तो नल्ला डाइनो है नल्ला। ले बैठे पैन तो फटाफट से सैडल, मेरे को तेरे ऊपर बैठना है। अबे भागता भी कैसा है, लचक लचक की एकदम, कोई बैठेगा ना इसके ऊपर कम्मा टूट जा इसका। ओ भाई देखो सही है यार, गजब है, पकड़ने चाहिए गाइस सारे के सारे डाइनोस, पकड़ो आर्क में मजे आते हैं यार खेलने में, मतलब। और मैं आपको बताऊंगा डाइनोस को क्रायो कैसे करना है अगर आपका लिमिट फुल हो जाता है, तो उसके लिए गाइस हम लोग डंजन में जाएंगे, वहां पे हमें मिलेंगे एरी एलिमेंट्स, सो उससे जो है ना हम लोग अपने डाइनोस को क्रायो कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डेफिनेटली हम लोग डंजन्स वगैरह काफ़ी जल्दी करेंगे, सो बाय बाय।